साथियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमप्रीत स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भीनमाल। आज अपन बीए पार्ट तृतीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है आर्थिक भूगोल, उसमें एक टॉपिक है पशुपालन, उस पर परिचर्चा करेंगे। मतलब विश्व में पशुपालन कहाँ होता है, पशुपालन के लिए आवश्यक दशाएँ कौन सी है, और कौन से देश सर्वाधिक पशुपालन करते हैं। तो विश्व में पशुपालन उन भागों में विशेष होता है जहाँ पर आवश्यक भौगोलिक दशाएँ उपलब्ध हो, जहाँ जलवायु सम है, शीतोष्ण प्रकृति की है, तापमान 15 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसके अलावा चारागाह की उपलब्धता हो, घास फूस की उपलब्धता हो, स्वस्थ पेयजल की आपूर्ति हो, और यातायात के साधन उपलब्ध हो, उस भागों में पशुपालन सर्वाधिक किया जाता है। मानव और पशु का जो अंतर संबंध है वो कई वर्षों से बना हुआ है। पशु मनुष्य के कृषि कार्य में भी सहायक है, इसके अलावा कई खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करता है। इसके अलावा ऊन खाल की आपूर्ति भी होती है, और गोबर जो है वो एक प्रमुख उपजाऊ कृषि घटक के रूप में कार्य करता है। तो विश्व में देखें तो पशुपालन कहाँ का होता है, उस दृष्टि से देखें तो विश्व में रूस जो है वो पहले स्थान पर है। रूस में पशुपालन अधिकतर दूध उत्पादन के लिए किया जाता है, यहाँ डेयरी उद्योग फेमस है। इसमें दूध, मक्खन आदि प्राप्त कर निर्यात किए जाते हैं। इनमें बाल्टिक राज्य, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया प्रमुख स्टेट है जहाँ पर सर्वाधिक पशुपालन किया जाता है। वर्तमान में रूस में पश्चिमी साइबेरिया में डेयरी फार्मिंग विकसित है। दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दूसरा प्रमुख दूध उत्पादक पशुपालन करने वाला राज्य है। यहाँ दूध उत्पादन के अलावा मांस प्राप्ति के लिए भी पशुपालन किया जाता है। यहाँ न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, पेंसिल्वानिया क्षेत्र, ओयो नदियों के किनारे, मिशोरी नदियों के किनारे घास फूस पाए जाने के कारण यहाँ पशुपालन सर्वाधिक होता है। फ्रांस दूध उत्पादन में विश्व का तृतीय स्थान है। यहाँ पर भी पनीर आदि प्राप्त करने के लिए, दूध घी प्राप्त करने के लिए, इसके अलावा मांस आदि प्राप्त करने के लिए पशुपालन किया जाता है। यहाँ पेरिस बेसिन, ब्रिटानी डेल्टा, फ्लैंडर्स आदि क्षेत्र में पशुपालन व्यवसाय फेमस है। भारत में भी दुधारू पशु पाले जाते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पशुपालन सर्वाधिक फैला हुआ है। इसके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, न्यूजीलैंड आदि में भी पशुपालन का व्यवसाय किया जाता है। विश्व में बड़े स्तर पर देखें तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है उस भाग में सर्वाधिक पशुपालन होता है, मतलब उत्तरी अमेरिका वाले भाग में। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना, यूरुग्वे नदी घाटी क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपास घास के मैदान, फॉकलैंड द्वीप समूह, दक्षिणी चिली में भी सर्वाधिक पशुपालन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पशुपालन वाला तीसरा बड़ा एरिया है। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका में भी बकरियां, भेड़ें आदि पाली जाती हैं। यूरोपीय भाग में मांस प्राप्ति करने के लिए, दूध प्राप्ति के लिए पशुपालन होता है। इस प्रकार विश्व में पशुपालन फैला हुआ है। पशुओं में विशेषकर बैल, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, याक, लामा, गाय, हाथी, भेड़, बकरी, घोड़ा, इस प्रकार के जीवों
को पाला जाता है और विश्व में वर्तमान में पशुपालन मानव जीवन का एक प्रमुख आधार है। इस कारण बहुतायत रूप से एक जीवन का हिस्सा है। पशुपालन आज भी प्राचीन तरीके से किया जाता है। ज़्यादातर जो शीत और शीतोष्णकटिबंधीय देश है वहाँ पशुपालन का उपयोग मांस प्राप्त करने के लिए होता है, और जो गर्म प्रदेश के लोग हैं या मध्यम जलवायु वाले लोग हैं वहाँ पर दूध मक्खन घी आदि प्राप्ति के लिए पशुपालन और कृषि में सहायक है उसके लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार विश्व में पशुपालन फैला हुआ है। धन्यवाद।